तो इस वजह से रोहित ने सिम्बा में दिया सारा अली खान को मौका। जानिए क्या है वजह। फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में कदम रखने वाली सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान को पता नहीं था कि उन्हें शुरुआत में ही दो फिल्में मिल जाएंगी। सारा अली खान की दो फिल्में एक ही महीने में दो फिल्में रिलीज होगी। जहां सारा की पहली फिल्म केदारनाथ इसी माह 7 दिसंबर को रिलीज हुई थी, तो उनकी अगली फिल्म सिम्बा भी इसी माह 28 दिसंबर को रिलीज होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म सिम्बा में सारा अली खान को लेकर के लिए अभिषेक कपूर ने राहित शेट्टी से बात की थी, जिसके बाद उन्हें इस फिल्म में लिया गया। मीडिया रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान को फिल्म सिम्बा के लिए निर्देशक अभिषेक कपूर ने रोहित शेट्टी से सिफारिश की थी। सैफ अली खान और अमृता सिंह की पुत्री सारा ने फिल्म केदारनाथ से डेब्यू कर लिया है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सारा अली खान के काम की खूब तारीफ हो रही है। सारा की दूसरी फिल्म सिम्बा भी रिलीज के लिए तैयार है। रणवीर सिंह की मुख्य भूमिका वाली फिल्म सिम्बा बॉक्स ऑफिस पर 28 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। बताया जा रहा है कि फिल्म सिम्बा के लिए केदारनाथ के निर्देशक अभिषेक ने सिम्बा के निर्देशक रोहित शेट्टी को इस बात के लिए प्रेरित किया था कि वे सारा को अपनी फिल्म में लें। अभिषेक ने खुद रोहित को फोन किया था और सारा के काम की तारीफ की थी। सारा ने न सिर्फ अभिषेक को बल्कि रोहित को भी अपने काम से इम्प्रेस कर लिया। उनकी परफॉर्मेंस ऑडियंस को भी पसंद आ रही है और ऐसा केदारनाथ के बॉक्स ऑफिस के आधार पर कहा जा सकता है। चर्चा है कि सारा को साजिद नाडियाडवाला की तरफ से बागी टीम के लिए अप्रोच किया गया है।